हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया है बीपीएल कंपनी का, जो सीआरटीटीवी उसका ऊपर। तो दोस्तों, बारिश होने का समय बिजली गिर जाने का बाद ये प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन उसका समय टीवी बंद था तब भी ये प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों, ये टीवी का जो प्रॉब्लम था आप देख सकते हो, मैं लाइट ऑफ करके एक बार दिखाता हूँ। तो ये टीवी का जो मेन पावर इंडिकेटर ही ब्लिंक कर रहा था। तो दोस्तों, मैं ये पार्टी के घर पर ही उसी का समय में रिपेयर करता था। तो मैं वो जो प्रॉब्लम आपको देखा वीडियो में क्लियर कर दिया है और सेट को ऑन करके दिखाया, तभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी को मैं बैक कवर ओपन करके मैं ये पीसीबी को अच्छा करके देखा है, कोई टूटा फूटा नहीं है। तो दोस्तों, बिजली गिर जाने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये मैं बताया उस वीडियो में। तो दोस्तों, ये एसटीआर पीसीबी होता है। और दोस्तों, ये पीसीबी का मैं और थोड़ा सा क्लियर करके एक बार दिखा देता हूँ। इस पर एक ड्रेन आईसी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, ये बीपीएल कंपनी के ओरिजिनल आईसी है, ओरिजिनल पीसीबी है। तो दोस्तों, आपको क्लियर करके एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो नंबर होता है आप देख लीजिए, बाद में मैं और भी क्लियर करके दिखा देगा, तब भी आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जो पावर इंडिकेटर जो ब्लिंक कर रहा था, ये मैं एसटीआर चेंज करके रिपेयर किया है। तो दोस्तों, उसका बाद देखा है कि हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम आ गया। तो दोस्तों, मैं इसका बाद में आइडेंटिफाई किया है कि इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी प्रॉब्लम है, उसी का समय मेरा पास नहीं था। तो दोस्तों, इसके लिए ये पीसीबी को मैं मेरे सर्विस सेंटर पर लेके आया। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम, इसके ऊपर मेरे चैनल पर बहुत वीडियो है, तो आप एक एक करके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे देगा। और दोस्तों, इस टाइप प्रॉब्लम जब देखेगा, तो दोस्तों मेनली वर्टिकल जो सप्लाई आईसी का वोल्टेज आपको देखना होगा, वो आईसी भी ख़राब हो सकता है, सप्लाई प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जो वर्टिकल एच आउट सिग्नल मेन आईसी से आता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट दोस्तों, देखिए ये वर्टिकल आईसी होता है, ठीक है। वर्टिकल आईसी का जो पिन वोल्टेज होता है, मैं एक एक करके एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर रख के दिखाता हूँ। एक नंबर पिन पर 2.4 वोल्ट के आसपास, और उसके बाद मैं दो नंबर पिन को दिखाऊंगा। देखिए, दो नंबर पिन पर 21 वोल्ट के आसपास, और तीन नंबर पिन पर 12 वोल्ट के आसपास, और चार नंबर पिन पर कोई वोल्टेज नहीं है, और पांच नंबर पिन पर दोस्तों 1 वोल्ट के आसपास, और सिक्स नंबर पिन पर 21 वोल्ट के आसपास, और सेवन नंबर पिन पर 25 वोल्ट के आसपास, और ये दोस्तों वोल्टेज मैं आपको दिखाया, लेकिन लगता है कि पूरा वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों, उसका बाद आपको दिखाता हूँ कि ये जो लाइन देख रहे हो, ये आईसी से जो सिग्नल वी आउट सिग्नल वर्टिकल आईसी पर आता है, मेन प्रोसेसर आईसी से, ये लाइन पर थोड़ा सा वोल्टेज प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये लाइन को अच्छा करके देखा है, और इस लाइन का बीच बीच जो दो एक रेजिस्टेंस मिलता है, वो भी देखना होगा कि कोई भी एक पार्ट्स ओपन हो जाने के बाद ही प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन, ये जो कौन सा पिन होगा वर्टिकल आउट का सिग्नल, तो मैं गूगल से ये डाटा शीट में अपलोड किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये राइट साइड पर ये डाटा शीट, यहाँ से लगता है कि जो वी आउट पिन होता है, इस पिन पर वोल्टेज थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए मैं एक आईसी मंगाया। तो दोस्तों, ये आईसी लगाने का बाद ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है, तो आपको मैं प्रैक्टिकल एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देख लीजिए, ये वर्टिकल आईसी है। फर्स्ट में ये वर्टिकल आईसी को एक बार चेंज किया है, ये जो आईसी का नंबर है LS7804N। तो दोस्तों, उसका बाद मैं
ये जो प्रोसेस आईसी होते हैं, आपको नंबर एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल आईसी है। ये ओरिजिनल आईसी का जो नंबर LA76931ADE और उसका नीचे 57 जो नंबर, ये सेम टू सम नंबर, ये देखिए ओरिजिनल जो आईसी में मंगाया इस पर प्रिंट है। तो दोस्तों आपको एक बार क्लियर करके और दिखा देता हूँ, दोनों आईसी सेम है। तो दोस्तों ये आईसी लगाने का बाद जो भी आउट पिन से सिग्नल वो आउटपुट होता होना होने के लगता है, तो इसी के लिए सेट ओके हो गया है। तो दोस्तों मैं सेट पर लाइन दे दिया है और स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। अब देख सकते हो ये स्क्रीन फुल हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपको और क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। मैं ESD को थोड़ा सा फोकस पिन को हाई करके एक बार दिखाता हूँ, इसका जो लाइट थोड़ा सा, अब देखिए ये लाइट बिल्कुल ओके हो गया, स्क्रीन भी फुल हो गया है। एक्चुअली ये जो सिग्नल प्रॉब्लम होता है, ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे देगा, अलग एक वीडियो मैं अपलोड करके रखा है दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपका पास ये जो इस तरह प्रॉब्लम, तो दोस्तों वो लिंक को एक बार फॉलो कीजिए, और दोस्तों ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।